नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। दोस्तों, आज का मुद्दा है वर्ल्ड इंडिजिनस डे, यानी विश्व मूल निवासी दिवस, जो 9 अगस्त को है। पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दशक पहले इसका आह्वान किया था मनाने के लिए। भारत के संदर्भ में ये कितना प्रासंगिक है, इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए आज मौजूद हैं प्रोफेसर दीपक कुजूर, जो दयाल सिंह कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं और एक आदिवासी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। ये हमने देखा कि किस तरीके से यूएन की आह्वान पर ये दिवस मनाया जाता है, विश्व मूल निवासी दिवस जी। क्या प्रासंगिकता इसकी है और इसको क्यों मनाया जा रहा है? जहाँ तक विश्व मूलवासी दिवस का विषय है जी, मूलवासी विशेषकर जो संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ, मूलवासी जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा किसी देश में रहने वाले वैसे निवासी हैं जो बाद में आए हुए लोगों के द्वारा जो है उन पर जो है वे हावी हो गए, अत्याचार हुआ, पीड़ित हुए, हावी हो गए जी। और उस तरह से उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनके अधिकारों को उन्होंने दबाने की कोशिश की, उनकी अवहेलना की। और इस संदर्भ में जो है इस प्रकार से उनके जो है कि अधिकारों की अवहेलना होती रही। तो डॉक्टर साहब, लेकिन 1982 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह महसूस किया कि उनके अधिकारों की रक्षा करना और उसे प्रोत्साहित करना जरूरी है, और इसलिए इस तरह की घोषणा की गई। लेकिन ये रूल सब पे लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि मूल निवासियों के अधिकारों की अवहेलना अमेरिका में हुई है, रेड इंडियंस को दबाया गया वहाँ पर जी, जी। अफ्रीका में अंग्रेज पहुँच गए, खदानों पर कब्जा कर लिया जी, जी। वेस्ट इंडीज में ऐसा हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ होगा जी, जी। लेकिन विश्व के सब देशों में जी, जी। मूल निवासियों के ऊपर कोई अत्याचार किया हो किसी ने, और खासतौर से अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर तो मूल निवासी सारी मूल निवासी हैं, तो भारत में इसका क्या रेलेवेंस है? इस संदर्भ में मतलब थोड़ी बात कहना चाहता हूँ। विश्व मूलवासी दिवस जो है भारत के अलावा अन्य देशों में, या भारत को छोड़कर अन्य देशों में है, उनको विस्थापित करने और उनको समापन करने से संबंधित हो सकता है। जैसे उनकी हत्या की गई वहाँ के रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए, जैसे कि अफ्रीका संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ सोना और डायमंड निकालने के लिए जहाँ रिसोर्स संसाधन युक्त जगहों पर जो मूलवासी बसे हुए थे वहाँ पर श्वेत लोगों ने वैसे जगहों पर कब्जा किया और उन्हें विस्थापित किया, और साथ ही साथ जनसंहार का भी सहारा लिया जी। और उस तरह इसी तरह के अधिकांश पश्चिमी देशों में अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, इस तरह की बातें हुई। लेकिन भारत के संदर्भ में है इस तरह की बातें नहीं हैं, यहाँ पर जो है उस तरह की बातें नहीं हैं, बल्कि यहाँ के जो मूलवासी हैं जिन्हें यहाँ भारत के संदर्भ में जो है यहाँ पर प्रायः जो है सभी मूलवासी हैं, चाहे नगरवासी हों, ग्रामवासी हों या वनवासी हों। और यहाँ पर जो है उस तरह के जो जनसंहार अथवा शोषण अन्याय नहीं हुआ है जैसे बाहर के देशों में। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भारत के जो एक उन्नत समाज है और साथ में जो एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ वर्ग है, इन सबको बांटने का कोई साजिश रची जा रही है? कुछ विघटनकारी ताकतें हैं जो इस तरह से भारत की सामाजिक ताना बाना, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालना चाहती है, और वे इसके विरुद्ध कार्य कर रही हैं। जहाँ तक है कि मैं कहना चाहता हूँ कि आर्य आक्रमण, या जिसको कहते हैं आर्य इन्विजन थ्योरी, और जो यहाँ पर कहते हैं कि मूलवासी इंडिजिनस पीपल, तो आर्यन इन्विजन थ्योरी जो है उसको निरस्त किया जा चुका है। इस तरह के आधिकारिक कोई तथ्य भी प्राप्त नहीं हुए हैं जो इसको न्याय संगत अथवा उचित ठहराता हो। आर्यन इन्विजन थ्योरी जो है जो बाहर से आए हुए लोग थे
जो यूरोपीय कह सकते हैं भारत में, उनके शासन को प्रासंगिक बनाने के लिए जो है द कोलंबस जो थ्योरी है उसके अंतर्गत जो है इस थ्योरी को बिल्डअप किया गया था या इस थ्योरी का निर्माण किया गया था, और इस तरह से भारत में जो है ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि आर्य जो हैं कि बाहर से आए हैं। लेकिन लेकिन है कि मैं इसे नहीं मानता। मेरा विचार है आर्य बाहर से नहीं आए थे, जबकि अगर हम रामायण की बात करें, पुराण की बात करें, महाभारत की बात करें, 7,500 या इससे भी पुराने हैं वहाँ पर है कि चाहे यहाँ के मूलवासी हों या जो विकसित समाज के लोग हैं, एक साथ किस तरह से सामाजिक भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें मैं उदाहरण के रूप में कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जैसे सबरी माता ने श्री राम को बेर खिलाए थे जी। इस तरह से जो है स्वतंत्रता संघर्ष के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है बिरसा मुंडा ने है कि बड़ा योगदान दिया था, रानी दुर्गावती ने भी योगदान दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मूलवासियों का इस तरह से बिल्कुल वहाँ के बच्चे देशों की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ मिलजुल कर लोगों ने योगदान दिया है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, स्वतंत्रता संघर्ष में भी साथ दिया। पूरे विश्व की जो इतिहास है वो 3,000 साल पुराना होगा, या जैसे जब हम ईसा की बात करते हैं कुल मात्र 2,000 साल पुराना है, इस्लाम 1,400 साल पुराना है, लेकिन जो इतिहासकार मानते हैं रामायण 7,000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और हमारे जो संस्कृति के मुताबिक तो लाखों साल पुरानी है। उसके अंदर भगवान राम ने वनों का दौरा किया, केवट से मिले, शबरी माता से मिले, तमाम जगह वो गए, आदिवासियों को उन्होंने गले लगाया, और उसको एक भेदभाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है आर्य और अनार्य की बात करके इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जी जी। अगर हम आक्रांताओं की बात करें जी, तो आक्रांता तो यहाँ पर बाबर था जी, मुगल थे, बिल्कुल बिल्कुल मुगल थे। अगर आक्रांताओं की बात की जाए तो वो लोग थे जी, बाबर थे, मुगल थे, गजनी रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक समानता का भाव लाने के लिए, विकास करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इससे इतर ये जो 9 अगस्त का दिन मनाया जाता है जी, मूल निवासी दिवस जी, जी, इसके अलावा सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि इसकी बजाय कुछ और आदिवासियों के लिए कार्य किया जाए? मेरा मानना है कि भारतीय संविधान में जो इनके शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए या विकास के लिए जो है प्रावधान किए गए हैं, उन्हें पारदर्शी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अथवा जो लोग ज़रूरतमंद हैं सरकारी योजनाओं को, जिनकी जिन्हें इनकी अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें मिलनी चाहिए जी। चाहे कोई भी योजना हो या पॉलिसी हो, उन तक पहुंचना चाहिए जिससे कि उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके जी, जी, इसके अलावा अगर कोई दिन मनाना है तो ऐसे भी सुझाव हैं कि किसी जो भारतीय समाज का महापुरुष है, आदिवासियों का जो आइकॉन है, उसके नाम से दिन मनाया जा सकता है, कोई उनकी जयंती को मनाया जा सकता है। इसमें है कि वर्ल्ड इंडिजेनस डे जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि एक पश्चिमी देशों से आया हुआ, मतलब यह एक जो है संस्कृति अथवा जो विश्व के विश्व दिवस के रूप में जो है मूलवासियों के लिए मनाए जाने वाला एक थोपने के समान है, सांस्कृतिक जो है रूप से पश्चिमी देशों से आया हुआ और भारतीयों पर थोपा जा रहा है। इसकी जगह पर मेरा मानना है कि सांस्कृतिक जो है मूलवासियों के जो नायक और नायिकाएँ हैं, उन्हें सांस्कृतिक दिवस के रूप में नायक एवं नायिकाओं के की जयंती मनाई जा सकती है, पुण्यतिथि मनाई जा सकती है। तो यह जो है कि एक बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, अच्छा कदम होगा। हाँ बिल्कुल, अच्छा कदम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर दीपक कुजूर जो एक आदिवासी समाज से आते हैं, दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। जिस तरीके से विश्व दिवस के नाम पर बहुत सारे दिवस भारतीय समाज पर थोपे गए हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे,
लव डे, पता नहीं कितने दिन हैं, और ऐसे ही ये विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड इंडिजिनस डे हमारे ऊपर थोपा गया है। भारत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में पूरी तरीके से समृद्ध है, सिर्फ ज़रूरत है कि उसको और ज़्यादा लोगों के सामने लाया जाए, समृद्ध किया जाए और लोगों को बताया जाए। साथ में जो योजनाएं हैं सरकार की वो आदिवासी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी सरकार अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। कार्यक्रम मुद्दा में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।